आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मध्य पूर्व के देशों से भारतीय बासमती चावल को 20 से 30 डॉलर यानी कि लगभग 1550 से 2330 रुपए प्रति टन का प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि अफवाहें हैं कि नई दिल्ली स्थानीय मुद्रा स्फीति को शांत करने में मदद करने के लिए कमोडिटी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है। व्यापार सूत्रों ने कहा है कि निर्यातकों को खरीदारों से सुगंधित लंबे अनाज वाले चावल को तत्काल भेजने के लिए संचार मिला है। वैश्विक बाजारों में कीमतों में मजबूती के रुख से पिछले दो हफ्तों में घरेलू बासमती की कीमतों में 15% तक की तेजी आई है। बासमती चावल का निर्यात मूल्य जो पिछले साल नवंबर में $1200 प्रति टन था, जब फसल आनी शुरू हुई थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन पिछले दो हफ्तों में फिर से बढ़कर $1350 हो गया। मध्य पूर्वी खरीदार इस कीमत से अधिक प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं। वही व्यापारियों का कहना है कि उन्हें खाड़ी देशों से जोरदार डिमांड आ रही है। खरीदार निर्यातकों को अनाज की तत्काल शिपिंग के लिए प्रीमियम की पेशकश कर रहे हैं। बाजारों में ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि सरकार गेहूं के बाद अब बासमती चावल पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लग चुका है। इन अफवाहों से भारतीय चावल के निर्यात को और बढ़ावा मिल रहा है। भारत ने खाद्यान्न की कीमत को नियंत्रित करने के लिए इस महीने की शुरुआत में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक कम आपूर्ति पर चिंताओं के कारण बढ़ रहा है। लेकिन व्यापारियों ने कहा कि भारत द्वारा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। वहीं इस पर अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि हमें नहीं पता कि निर्यात प्रतिबंध की अफवाहें कहाँ से फैल रही हैं। इस तरह के किसी भी कदम पर सरकार की ओर से कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है, लेकिन खाड़ी देशों के खरीदार अपनी पाइपलाइन को भरने के लिए अच्छी मात्रा में अपने ऑर्डर्स दे रहे हैं। भारत खरीफ के दौरान 8 मिलियन टन बासमती चावल का उत्पादन करता है। पिछले साल फसल कटाई के दौरान हुई बेमौसम बारिश के कारण कुछ इलाकों में धान खराब हो गया था। उद्योग के अनुमानों के अनुसार पिछले साल बासमती चावल का उत्पादन लगभग 6.5 से 7 मिलियन टन था, जो सामान्य उत्पादन से कम था। सऊदी अरब प्रमुख खरीदार के रूप में उभरा है, इसके बाद ईरान, इराक और इस क्षेत्र के अन्य देश हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2022 में 3.94 मिलियन टन बासमती का निर्यात किया था। संभावित निर्यात प्रतिबंध की अफवाहों के अलावा पाकिस्तान में बासमती चावल की बढ़ती कीमतों ने भी मध्य पूर्व के खरीदारों को अपनी खरीद का एक हिस्सा भारत की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित किया है। पाकिस्तान में बासमती चावल की सबसे अच्छी किस्म $1450 प्रति टन की दर से बिक रही है, जबकि भारत में इसकी कीमत $1350 है। पाकिस्तान में बासमती चावल की सामान्य किस्म की कीमत $1325 प्रति टन है, जबकि भारत में यह है $1200 है। घरेलू बाजार में उच्च गुणवत्ता वाली बासमती अब एक पखवाड़े पहले के 230 रुपये के मुकाबले 250 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है, जबकि सामान्य गुणवत्ता की कीमत 220 रुपये है, जो पहले 190 रुपये हुआ करती थी। टूटा हुआ बासमती चावल दो सप्ताह पहले 125 रुपये के मुकाबले 140 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जा रहा है। वहीं कुछ जानकारों के अनुसार अक्टूबर नवंबर में नई फसल आने तक कीमतें ऐसी ऊंची ही बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।